वेलकम बैक टू माई चैनल बबली का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, सुखी होंगे। आज सुबह सुबह एक्सरसाइज करके हम आए हैं ग्राउंड से अभी, और आज जूतिया ख़त्म हो जाएगा हमारी मिसेज का। कल जूतिया का त्यौहार बना रही थी, वो आज ख़त्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि उठ गई हैं, वो मेरी बातों को सुन रही होंगी धीरे धीरे। कान पुसी, हाँ उठ गई हैं। इनका जूतिया का त्यौहार था, ख़त्म हो गया। अब ये बनाएंगी पकौड़े, भुजिया, सब्जी, पकवान बनता है आज तो वो बनेगा। तो चाय पी लिए हैं एक बार, अब दोबारा देखते हैं, पीने की तैयारी करते हैं दोबारा। पानी आ रहा है, सोच रहे हैं पानी डालें ना डालें, क्योंकि पानी अगर हम डालते हैं तो दिन भर डालने के बाद फिर शाम को डालना पड़ेगा। इसलिए हमारा विचार कर रहा है कि एक साथ ही शाम को ही डाला जाए पानी, क्यों ठीक रहेगा ना। देखो भाइयों, मुबारक हो, लहसुन निकलने लगा मेरा, जो हमने उस दिन लगाया था ना लहसुन, लहसुन का पौधा निकलने लगा। दिस इज गार्लिक प्लांटेड बाय बॉम सिंह। बॉम सिंह ने लगाया था लहसुन और इनका लहसुन निकलने लगा। और ये देखो, चूहों ने अपना आतंक फैलाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ मिट्टी भर दिया था इसलिए इनका अपने ये अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हमने यहाँ मिट्टी रख दिया था और इसको भर दिया था और पानी डाल दिया था अंदर, इसलिए बच गया, नहीं तो ये खोद लेना था अभी तक तो। भिंडी भी निकलनी शुरू हो गई, देखो ये भिंडी निकल रही है, ये भिंडी निकल गया, 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 ये लहसुन निकल गया, तो सब जो है निकल रहा है। ये फूल सबसे बेस्ट है, ये कोई फूल खिले ना खिले लेकिन ये खिलेगा। ये है हमारा येलो वाला गुलाब, देखिए ये कुछ दिनों बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये इसी कलर का, तो फिर इसी पेड़ का देख लीजिए, इसी के पेड़ का है। देखो ये है 9 तारीख, अश्विनी कृष्ण दशमी दिन, 1:32 तक, 1:32 तक जो है दशमी है ठीक है। इस दिन जो है श्राद्ध का हमारा खत्म हो जाएगा, दाढ़ी उड़ी हम इस दिन बना लेंगे, खाना पीना भी इसी दिन बनेगा। हाँ हाँ हाँ, पंडित को खिलाना होगा, वो पंडित को खिला देंगे इसी दिन, और उसको दान भी देना होता है, दान भी 50-100 रुपये जो देना होगा ठीक है। देखा लो कैसे नोबिल बड़ी है, अगर पत्नी जी भूख के मुंह सुख की खटाई हो गई बे, हां मारे तो तब बनाओ सब करत ले माई, हमर उठत ना रही, यही से तू ये सीखले बड़े, ये सीखले बड़े ना, रोज ना करत ले, रोज ना करत ले, ये सीखले बड़े ना, तार ले के भूख वा के दे रहे ल खाली पति ने रही तू दवाई के। चाय पानी हो गया, अब चलते हैं सब्जी लेने। ये देखिए ये सो रहे हैं महाराज, इनको सोने का ही इनका जो है महत्व है। कढ़ी के लिए, कढ़ी बनाओगी? कढ़ी बनता है आज तो फिर तुम्हारा बल्ले बल्ले, तुम्हारा फेवरेट चीज बनता है आपके चाहिए है?
अरे हम ही लोग कर रहे हैं यार, सब लोग नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, अब इतना दो दिन में क्या घट रहा है। धनिया ले लीजिएगा। धनिया ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे, आलू ले लेंगे, हरिया सब्जी ले लेंगे, बस यही ना। मर्चा ले लेंगे, हरिया पकौड़ा। आलू मिर्चा मिलेगा? नहीं मिलता पकौड़ा। पकौड़ी के लिए जो होगा ले लेंगे। बैंगन तो बनता नहीं है, बैंगन तो लौकी ले लेंगे, गोभी ले लेंगे, दोनों का पकौड़ी बनाना। बेटा अभी से जो है ना अपना एक एक सब्जेक्ट का रूटीन बना लो, एक टाइम टेबल बना लो कि डेली मुझे इतना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से याद करना है, लेसन को पढ़ना है दो बार और उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करना है। बात समझ में आ गया ना। सब्जी ले आया मित्रों सफल से, देख लो कितना महंगा हो गया सब्जी। अभी सब्जी महंगा हो गया कितना, देखो कॉलीफ्लावर 89 रुपए के जी है, गोभी ग्रीन चिल्ली 129 रुपए के जी है, लौकी 39 रुपए के जी, आलू 38 रुपए के जी, पपीता 59 रुपए के जी, खीरा 39 रुपए के जी, परवल 65 रुपए के जी, लेमन 189 रुपए के जी, टमाटर 25 रुपए के जी, प्लेन छाछ 20 रुपया और तड़का छाछ 10 रुपया, 20 रुपया। मतलब ये है हाल अभी सब्जी का, बहुत महंगा हो गया है सब्जी, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाँ हरा सब्जी चाहिए ना कुछ, परवल हो गया ये, लौकी, लौकी 39 रुपये के जी है, आलू तो बुध बाजार से ही लाया करेंगे यार, आलू थोड़ा सस्ता मिल जाता है बुध बाजार में, 25 रुपए किलो होगा मुझे लग रहा है, 25-30 रुपए। अब तो महंगा हो गया होगा यार, ये लुइया थोड़ा पहाड़ी वाला है, ये आलू नहीं मिल रहा होगा, हम कोई इसको देखे भाई गोभी को जो 30 रुपए 40 रुपए गोभी था, सीधे 90 रुपये हो गए हैं, तो हम लेके आ गए इसलिए कि चलो थोड़ा थोड़ा बनाना है तो थोड़ा सा आएगा, चाहे सब्जी है इसी का अच्छा बनता है। हाँ बस कुछ सब्जी बहुत महंगी हो गई है, 500 रुपये की सब्जी है ये, एक हफ्ता भी नहीं जाएगी। हाँ 487 और हाँ 500 ही हो गया, 97, सब महंगा हो गया, सब महंगा हो गया सब। अलुइया ज्यादा है थोड़ा सा इसलिए महंगा है, 3 किलो के ऊपर है अलुइया। चांद तारे गवा मेरी हंसिनी, ओ मेरी हंसिनी, क्या बना रही हो? अड़ी बन गया है, ये बोझा बन गया इसका, बोझा बन गया इसका, ये लौकी ले जाओ उधर ही, प्लेट नीचे वाला उठा लो, चलो ले जाओ ले जाओ। ये देखो पकौड़ी बन गया है, ये प्याजा और ये खाएंगे निहाल सिंह, और ये इसमें लौकी बन रहा है, और ये भोजा के लिए कट गया है। पकौड़ी या दूसरे क्या आया था? अच्छा दूसरे क्या गया हुआ है, वो कड़ी बन गया है, ये मुझे लग रहा है फलोरा बना हुआ है, फलोरा बन गया है यानी दही वाला, ये चल रहा है। भैया तेरे साथ
बस और आधा घंटा के बाद जो है पारण हो गया, टाइम हो गया 10:21। हाँ तो 2 मिनट बचा है, 10:21 पे पारण था, इसके पहले कुछ भी नहीं खाना था, चाय पानी कुछ नहीं। अगर चाय भी पी लिए तब भी जो है आपका व्रत टूट गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है जब तक टाइम नहीं है। 10:21 का टाइम था, ये देखिए दही वड़ा। क्या बनेगा अभी? आराम से चाय पानी पी लेना, उसके बाद आ ही गया। तो फिर बनेगा तो फिर अपना ब्लॉग एक बार मुस्कुरा के दिखा दो कि हाँ तुम व्रत से दुखी नहीं हो। दुखी क्यों? व्रत से थोड़ी व्रत से नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हेल्प करने वाला कौन रहेगा? अब शादी करेंगे लड़के का तभी आएगी हेल्प करने वाला, और कोई तो हेल्प करने वाला। हम कौन सा हेल्प करेंगे भाई? हम कौन सा हेल्प करेंगे भाई? हमको तो चाय बनाना भी नहीं आता है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं बताओ? हमसे तुम बोलोगे सब्जी काटने के लिए, हमने लौकी काट दिया तुम्हारा, है ना? सामान ला देंगे। ये आज का पकवान रायता, दही बड़ा, लौकी की सब्जी, चटनी, भुजा, कड़ी, और कड़ी में बचका और बरी। ये हमारी देवी जी ने आज का बनाया है फर्स्ट क्लास लंच, जो मैं अभी खाने जा रहा हूँ। सुबह 5 बजे से जग करके बना रही है, मैं रोज तुम्हें यहाँ देखती हूँ साइकिलिंग करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। करते हुए राइट, वुड यू लाइक टू हैव सम जूस? या श्योर, कम चलो। वैसे वेरी नाइस कॉफी जार्स। नो, ये हो रहा जुतिया का पारण आज। जुतिया मैया की जय। कल सुबह से अभी 10:21 तक इन्होंने न खाना खाया था न पानी पिया था। ये पूर्वोत्तर का जो है सबसे बहुचर्चित और निष्ठा वाला जो है व्रत है जुतिया, जिसमें माँ अपने बेटे के लिए व्रत रखती है लंबी उम्र के लिए, चाहे उसको सुरक्षा के लिए उसके और भविष्य में वो अपना अच्छा काम करे, उसका लाइफ सुरक्षित रहे, अच्छे से बढ़ोतरी करे, जीवन में कामयाब हो, इसके लिए व्रत रखा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी चाय पी रहे हैं हम लोग, शाम को 6:30 हो रहा होने, 7 बज रहा होगा, 7:30। अब ठंड वैसे शुरू हो गया है मुझे लग रहा है, शाम को थोड़ा, शाम को भी थोड़ा सा लगता है, नहीं सिरावन जैसा, पहले जैसा नहीं है, मौसम अच्छा हो गया है अभी। अब तो अपने पी लिए, अपने तो खत्म कर दिए। हाँ तो क्या करना है उससे, क्या हो गया? कुछ नहीं, चाय ना पिए है। निहाल पी रहा है, फल छीन लिया तुम्हारे हाथ से।
क्या हो गया, फोन चल गया? चाय चुई पी लो, उसके बाद क्या बनाओगे? बनाओगे रोटी बनाएंगे, रोटी बनाओगे, रोटी और ये अच्छा लग रहा है। यार एक बात बताओ मुझे, चप्पल तुमको कंफर्टेबल कौन सा लगता है? ये तो किसी को पता नहीं है। डिजाइन अगर तुमको बता दे हम इतना वाला हील, तो वो तुमको पसंद नहीं आएगा, फिर फायदा क्या है पूछने का? या तो तुम खुद, तुम कितना दिन से ढूंढ रही हो? अपने कंफर्टेबल ढूंढो या डिजाइन ढूंढो? डिजाइन ढूंढना है, डिजाइन ढूंढ रहे तो कंफर्टेबल खोज रहे तो हाई रेंज में आ रहा है। हाई रेंज कितने में आ रहा है? 1200-1500, 5000 का नहीं आ रहा है इसमें, कम का भी है, हमको नहीं दिख रहा है इसमें। अबे जिसको पहनना है, जिसका चप्पल है चाहे जिसका कपड़ा है, किसको कौन सा अच्छा लगता है वही लेना है। फिर पूछने का फायदा क्या है? अगर पूछोगे हमारे से तो हम बताएंगे भैया कि ये वाला ले लो, अगर नहीं लोगे तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो इससे अच्छा पूछो मत। कई दिन से, एक महीना से जो चप्पल ही ढूंढ रही है, एक महीना नहीं हमको लग रहा है दो तीन महीना हो गया। हाँ मंगा देना, वापस कर देना, उसमें क्या है। लेकिन इसको तुम बट्टा पे क्यों ले रही हो? मंत्रा पे जाओ यार, मंत्रा पे एक से एक डिजाइन मिलेगा। सब लेडीज के लिए सबसे बढ़िया सामान मंत्रा पे, जूता चप्पल और कपड़ा के लिए सबसे बढ़िया है मंत्रा। मंत्रा में ही मिलेगा आपको बढ़िया, डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें थोड़ा बहुत। क्यों भाई, मंत्रा अच्छा है ना? हाँ सबसे अच्छा मंत्रा है। बाटा में, बाटा कंपनी से तुम लोग ही तो, बाटा कंपनी वाला थोड़ा सा महंगा देगा ही वो तो। महंगा थोड़ी दे रहा है, अब देगा महंगा ही है और क्या। छूट वो चलता रहता है, ऐसे बेचने के लिए चलता है छूट। कहाँ चल रही है जी तुम? कल कल का और है, परसों दाढ़ी हमारा भी बन जाएगा। दसवीं है, परसों है, परसों पंडित जी को खिला देंगे, फिर पिताजी को अपने हम विदा कर देंगे। आप जाइए अपने लोग को। धार्मिक मान लो इसको, चाहे सामाजिक मान लो इसको, चाहे वैज्ञानिक कारण से मान लो, ठीक है।